नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रशांत है और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। आज का हमारा विषय है प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों, बीमा का जो व्यवसाय है यह लोगों से मिलने जुलने का व्यवसाय है। जिस तरीके से एक स्टील के फैक्ट्री का कच्चा माल लौह अयस्क है, कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल कपास है, उसी तरीके से बीमा सेल्स के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए कच्चा माल लोग यानी पीपल हैं। प्रोस्पेक्ट यानी हमारा संभावित ग्राहक। अगर आप बीमा सेल्स के क्षेत्र में नए आए हैं या फिर आप इस क्षेत्र में पुराने हैं, आपको लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते रहना होगा। साधारणतः यह देखा गया है कि एडवाइजर नामों की सूची तैयार करने और फोन नंबर लिखने के बात पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। वहीं कुछ लोगों की धारणा है कि उनकी पूरी सूची उनके दिमाग में ही है। एडवाइजर इस बात के महत्व को समझ नहीं पाते कि इस व्यवसाय में सफल होने के लिए नामों की सूची विशेष तौर पर बनाना क्यों जरूरी है। अगर आपको इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में सफल होना है और ऊंचाइयों को छूना है तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने की क्रिया अनवरत चलते रहना चाहिए। आइए हम चर्चा करते हैं लिस्ट बनाने की क्रिया की शुरुआत कैसे करें। मान लीजिए आज आपके घर में किसी की शादी है और आप अपने प्रियजनों को आमंत्रण भेजना चाहते हैं, तो आप किनको भेजेंगे? ऐसे लोगों का लिस्ट बना लें। इस तरीके से करीब 300 से 500 लोगों की सूची आपकी बन जाएगी। सूची बनाते समय फोन नंबर लिखना ना भूलें। हो सकता है कि कुछ लोगों का फोन नंबर उस समय आपके पास ना हो, तो कोई बात नहीं, उनका नाम लिख लें, फोन नंबर वाला कॉलम खाली छोड़ दें। जब उनका नंबर आपको मिल जाए तो उस कॉलम में उनका नंबर लिख लें। ये हमारी प्राथमिक सूची बन गई। अब हम कॉमन लोगों का नाम लिखेंगे, जैसे मेरे मित्र के मित्र। शायद उनकी आपकी उतनी घनिष्ठता ना हो, पर आप और वो एक दूसरे से परिचित हैं। उसी तरीके से रिश्तेदार का रिश्तेदार। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के मायके के सारे रिश्तेदार का नाम, जैसे पत्नी के मामा जी, बुआ जी इत्यादि। अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं तो बच्चों के सहपाठी के माता पिता का नाम। अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अब हमें अपने आसपास नजर दौड़ाना है, जैसे डॉक्टर का नाम, जहां हम अक्सर दवा खरीदते हैं उस दुकानदार का नाम, टेस्ट लैब वाले का नाम, अपने डेंटिस्ट का नाम, किराना दुकानदार का नाम इत्यादि। इस तरीके से हमारे पास करीब 1000 से 1500 लोगों का लिस्ट तैयार हो जाएगा, जिन पर हम अगले कुछ महीने काम करेंगे। मित्रों, अगर आप भी एक सफल बीमा एजेंट बनना चाहते हैं और नीचे कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है प्रशांत ओझा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। मिलते हैं अगले वीडियो।